बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल मखनी की रेसिपी। बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे पकाएंगे। आप रेस्टोरेंट की इस दाल भी भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी दाल बनी है। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं डलते हैं, कम ही सामान में ये बन जाती है, लेकिन इसमें जो सारा टाइम लगता है वो इसे गलाने में लगता है। लेकिन हम इसे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो इसलिए ये जल्दी बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, ये हमने ओवरनाइट नाइट इसे भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 4 घंटे भी भिगो सकते हैं। ये 250 ग्राम माश की दाल ली है हमने, और ये लिया है हमने 1 मुट्ठी राजमा। हमने इसे इस तरह से मसल मसल कर धो लेना है। इसका जितना भी इसमें गंदगी होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। हमें इसी तरह से इसे धोना है। मैंने इसका 2 बार पानी चेंज किया है। इस तरह से हम इसका 2 बार पानी चेंज करेंगे। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा पानी कर लिया है कढ़ाई में गरम, और अब हम इसे डाल देंगे इसके अंदर दाल को, और हमें इसे गरम कर लेना है, एक उबाल ले लेना है। यानी 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे। ये देखिए उबाल चुका है, हमने इस दाल को छान लिया है। देखिए इसमें कितना गंदा पानी निकला है, कितना कलर था इसके अंदर। अब हमने चढ़ा दिया है कुकर, कुकर में डाला है हमने पानी। पानी इतना डालना है आपको कि दाल नीचे रह जाए और पानी थोड़ा ऊपर हो। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। आपको इतना पानी लेना है, देखिए दाल नीचे होनी चाहिए और पानी ऊपर होना चाहिए, इतना हमें इसमें पानी डाल लेना है। और अब हम इसमें लगाएंगे सीटी। सीटी आपको इस तरह लगानी है कि 5 सीटी हम इसमें लगाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इस 1/2 चम्मच डाला है हमने इसमें नमक, और 1/2 चम्मच डाला है हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 कप हम डाल रहे हैं इसमें दूध, ये ऑप्शनल है। और ये डाला है 2 चम्मच गरम ऑयल, आपकी मर्ज़ी हो चाहे डाल दें वरना कोई बात नहीं। और ये डाला है हमने 2 लहसुन की कलियाँ। अब हम लिड लगा देंगे, और हमें पहली सीटी तो इसे फुल फ्लेम पर लेनी है, और बाकी की 4 सीटियाँ लेनी है हमें मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए 5 सीटियाँ आ चुकी हैं और दाल बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट दाल हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे इसी से मैश कर लेंगे। इस तरह से हम इसे घोट लेंगे। आपके पास घोट ना हो, मैशर हो, जो भी हो, आप उसकी मदद से इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मैश कर लें। ये देखिए आपके पास अगर ये हो तो इसी से कर लें। इस तरह से हमें 2-3 हाथ मारने हैं। बिल्कुल आपने मैश नहीं करनी, बस इतनी थोड़ी सी मैश हो जाए, क्योंकि इसमें राजमा भी है तो वो भी हम मैश कर लेंगे। इस तरह से हमें 2-3 मिनट इसे मैश करना है। अब हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। ये हमने 2 बड़े चम्मच इसमें 1 चम्मच डाला भर के घी, ये देसी घी है, हमने 1.5 चम्मच इसमें डाल दिया है। और ये डाल रहे हैं हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है थोड़ी सी, इसके साथ पीस लिया था। तो थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, और उसमें 2-3 हरी मिर्च लेकर मैंने पेस्ट बना लिया, और अब हमने इसमें डाल दिया। हमने इसे ज़्यादा नहीं भूनना, 1 से 2 मिनट ही भूनना है। ये डाल रहे हैं हम 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। आप इसे इसमें अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए आप यही यूज़ करें। और ये है टमाटर पेस्ट। ये है तकरीबन 3 टमाटरों का हमने ये पेस्ट बनाया है।
और इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे भी भूनना है। हम इसे खूब भूनेंगे अच्छी तरह से। इसमें डालना हमें 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। थोड़ा सा डाला है हमने इसमें पानी। पानी डालकर हम इसे पकाएंगे। अभी डाल रहे हैं हम इसके अंदर दाल।